सो हेलो गाइस, यार कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं गाइस रिमशॉट स्नेयर। तो चलिए गाइस देखते हैं किस तरीके से करना है। रिमशॉट स्नेयर। तो गाइस सबसे पहले रिम शॉट स्नेयर के लिए 2 से 3 इजी स्टेप्स हैं, उनको आपको फॉलो करना है और आप सीख जाएंगे रिम शॉट स्नेयर। तो गाइस सबसे पहली जो चीज है, फर्स्ट स्टेप, वो आपको आना चाहिए गाइस इनवर्ड के स्नेयर। इनवर्ड के स्नेयर में गाइस आपको अपनी टंग है उसको आपको माउथ के फ्रंट पोर्शन से टच कराना है, इस तरीके से, टीथ के बैक पे, यहां इस तरीके से। अब टच कराने के बाद गाइस आपको करना यह है कि एयर को सक्शन क्रिएट करना है, इस तरीके से, यानी कि लंग्स में एयर आपको लेनी है। तो एयर गाइस आप चेक करेंगे जब इस तरीके से आप ब्रीद इन करेंगे टंग को ऊपर टच करा के, तो आप देखेंगे कि एयर जो है माउथ के दोनों साइड से, यानी कि टीथ और टंग के बीच से जा रही है, इस तरीके से। तो गाइस ये जो स्टेप है, उसके बाद आपको करना यह है कि जहां से एयर जा रही होगी वहां से आपको एयर को ब्लॉक करने की कोशिश करना है, यानी कि टंग को अपनी थोड़ी सी नीचे करने की कोशिश करना है पीछे साइड से, इस तरीके से। अब देख रहे हैं कि मैं लंग से प्रेशर लगा रहा हूं लेकिन हो ये रहा है कि एयर अंदर नहीं जा पा रही क्योंकि मैंने अपनी टंग को थोड़ा सा नीचे कर लिया, जिससे कि जो टीथ के साइड से एयर जा रही थी वो ब्लॉक हो चुकी है। तो गाइस वो जो एयर ब्लॉक हो चुकी है उसी एयर को आपको रिलीज करना है फिर से, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर देते हुए, इस तरीके से। यानी जो वो एयर ब्लॉक हो गई थी उसको आपको फिर से टंग को ऊपर कर लेना है ताकि वो एयर फिर से अंदर जा सके। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से करना है के स्नेयर। अब गाइज आ जाते हैं सेकेंड स्टेप की ओर, जो कि है गाइज हमारा कटिंग ऑफ द एक्सेस एयर। सो गाइज यहाँ पे हम लोग कटिंग ऑफ द एक्सेस एयर, यानी कि जो एक्सेस एयर है, यानी कि के स्नेयर के पीछे जो एयर लगी हुई है, यानी कि आप देख सकते हैं जैसे कि के स्नेयर में ये जो ये एक्सेस एयर है इसको कट ऑफ करना है। तो गाइस इसको कट ऑफ करने के लिए मेरे पास एक छोटी सी टिप है, वो आप इस यूज कीजिए तो आपको बहुत आसानी होगी गाइस करने में, नहीं तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है। इसलिए छोटी सी एक यहाँ पे टिप है जिसको आप यूज कीजिए, जो कि है गाइस कि आप अपने लिप्स का यूज कीजिए। जैसे ही आपका जो है पहला जो साउंड है जो ये होता है, इसके बाद जो साउंड है उसको कट ऑफ करने के लिए आप तुरंत अपनी लिप्स को क्लोज कर लीजिए, यानी कि एयर अंदर मत जाने दिए माउथ में। तो उससे क्या होगा गाइस कि वो पहला साउंड ही होगा और सेकंड वाला साउंड जो है पूरा कट ऑफ हो जाएगा। जैसे कि देखिए, समझ रहे हैं, ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए पहले, उसके बाद गाइस ये प्रैक्टिस कर लेंगे आप थोड़ी सी, ये तो भाई एक आध दो दिन में मेरे ख्याल से प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आएगी गाइस वो ये है कि इसी को आपको आप माउथ को ओपन करके कोशिश करनी है कि आप एयर को कट ऑफ कर दे। तो यहां से ये होगा कि जैसे ही आप एयर कट ऑफ करेंगे आपको ये साउंड सुनाई देगा, यानी कि गाइस सिर्फ माउथ के प्रेशर से, थोड़े से लंग्स के प्रेशर से लेते ही उसको वहां पे कट कर देना है। अगली एयर जो जा रही है वहां पे पूरी एयर को नहीं जाने देना, वहां पे तुरंत एयर को कट कर देना है, इस तरीके से। तो जैसे ही आप एयर कट करेंगे गाइज ये बन जाएगा हमारा रिम शॉट। सो गाइज इसी तरीके से थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए रिम शॉट की। और गाइज फास्ट बीट बॉक्सिंग के काफी सारे वीडियोस अब आने वाले हैं, इसलिए मैंने रिम शॉट का वीडियो बनाया ताकि गाइज आप लोग इस तरीके से थोड़ी फास्ट बीट बॉक्सिंग पे रिम शॉट का यूज कर सके, क्योंकि के स्नेयर यूज करने में गाइज काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है और उसमें वहां पे फास्ट बीट बॉक्सिंग नहीं हो पाती है। तो गाइज मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। मैं मिलता हूँ गाइज आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए कोई भी डाउट हो कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।